पासार मैं शुरू करने वाला था, लेकिन वो शायद पोर्शन में नहीं है इस साल, तो हम लोग उसका अगला लेसन वो पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3। वो पोर्शन में है शायद कि उसके आगे बढ़े, मुझे लगता है आत्मनिर्भरता ये लेसन है, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगा, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करूं। अच्छा, वो भी कैंसिल है, ठीक है। तो मैं सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का जो लेसन है वो चौथा लेसन होगा, वो मैं आगे बढ़ता हूं। तो यानी वो दोनों कैंसिल है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 4 है, ठीक है। तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस का जो लेसन है तुम मुझे खून दो, तो वो हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा एक भारत का जज्बा हमारे मन में आए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपके पास मुझे पता है टेक्स्ट बुक होगा, फिर भी स्क्रीन सामने रहने पे थोड़ा हमारा ध्यान उसमें रहेगा। ये रहा, स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है लेसन। ये बहुत ही सुंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देशवासियों को बहुत बड़ी शक्ति दी थी सेना की, ये हम सभी जानते हैं। तो उनकी कुछ बातों को हम लोग यहाँ सबके सामने आज इस पर हम आज चर्चा करेंगे, इसको हम आज पढ़ेंगे। पहले हम संबंध थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, मतलब भारत में जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ाई थी आजादी की, उसमें सबसे महान नाम अगर लिया जाता है बा अदब इज्जत से, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते, वो अविस्मरणीय है, मतलब जिसको भुलाया ही नहीं जा सकता। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है कि आजाद हिंद सेना जो उन्होंने बनाई थी, तुम्हें ये शायद बहुत कम लोगों को पता था कि सेना की ताकत, जब हम विश्व युद्ध से वापस आ रहे थे, हमारी सेना जब वापस आ रही थी, तो अंग्रेज समझ गए कि अब ये देश पे कब्जा कर लेंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही भागते हुए हमारे देश को आजाद कर दिया। क्योंकि जिस वीरता के साथ हम अंग्रेजों के साथ मिलकर हमने जो दुश्मनों की साथ लड़ाई लड़ी थी, ये हम सभी जानते हैं। तो उसके लिए तो इन्होंने जिस तरह से प्रेरित किया, जिस तरह से समझाया कि ये देश किसका है, हमें लड़ना किसके लिए है, उसका जो भाषण है उसका कुछ यहाँ पर अंश आपके सामने है। मतलब आपका कहना था सुभाष चंद्र बोस का कि स्वतंत्रता की राह में अगर हमें आजादी चाहिए तो शहीदों के खून से लिखी जाती है, बनाई जाती है, क्योंकि आजादी आसानी से कोई मांगने पर भीख नहीं दे सकता, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। कुछ चीज होती है जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है, ना खून बहाना पड़ता है ना, तो ये अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन कहीं कहीं हिंसा भी करना पड़ता है। वो हमें इन्होंने सिखाया था कि खून देकर ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। आज हम इतने आजाद हैं, अपने मन के हिसाब से हम अपना देश चला रहे हैं, हम फ्रीडम जिंदगी जी रहे हैं, तो ये सब उन महान लोगों के कारण हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने देश को क्या आग्रह किया था, मतलब क्या निवेदन किया था, क्या उन्होंने लोगों को जगाने के लिए बोला था, वो सब चीजें यहाँ पर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय प्रस्तुत किया था। क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनिए कि दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। मतलब जब उन्होंने पूर्व एशिया के समक्ष ये बनाया था, एक संगठन बनाया था, तो एक बात आई थी कि हम एक कहते हैं ना, जैसे मीटिंग करते हैं हम लोगों को जमा करने के लिए, तो उन लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़ने आ रहे हो तो ये भूल जाओ कि आप जिंदा रहोगे, आप सर पे कफन बांध कर मरना ही है। ये बात अलग है कि मरकर कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, लेकिन वहां ये जा रहे हो तो ये मानकर चलो कि तुम जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, ये कोई गारंटी नहीं, इसका कोई वो नहीं लेगा कि नहीं तुम्हें जिंदा ही रहना। तो ये जो कार्यक्रम बना था,
तो आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का, जो हमने पिछले साल अचीवमेंट जो प्राप्त किया था, जो हमने ना पूरा शक्ति बनाने में हमने जो मेहनत की और जैसा हमें वो रिजल्ट मिला, उसका पूरा ब्यौरा दूंगा, कैसे हम सफल हुए, आने वाले सालों में हमारी मांग हम कैसे रखेंगे, कि हम क्या चाहते हैं जिसके कारण देश आजाद हो जाएगा। तब ये भाषण उस समय का है, ये बातें उस समय की है जब देश हमारा गुलाम था, जब हम अपने मन से अपनी जिंदगी जी नहीं सकते थे, दूसरों के अधीन थे, तब ये बात उन्होंने रखी थी। सोचो कितनी दूर दृष्टिता थी, कितनी दूर विचारधारा थी। तो उन्होंने क्या कहा है और देखिए कि ऐसा करने से पहले मैं जो कदम उठाने वाला हूँ अपने देश के लिए, अपने देश की आजादी के लिए मैं जो कदम उठाने वाला हूँ, आपको एक बार फिर ये एहसास कराना चाहता हूँ, मैं ये आपको यू नो इंग्लिश में हम कह सकते हैं फील कराना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ। वो क्या है कि हमारे पास आजादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है, कितना गोल्डन चांस, अच्छा मौका है हमारे पास। ये मौका अगर हम गवा देंगे तो अब हमारा देश फिर से अंग्रेजों का जो गुलाम रहकर ये जो तकलीफें झेल रहा है, हम अपने देश में ही बेगानों की तरह जी रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। ये उनका पहला शब्द था। और अंत में तो आप सभी जानते हैं उनका सबसे डायलॉग प्रसिद्ध जो कहावत थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून मतलब ब्लड डोनेट नहीं, खून मतलब है कि लोग दो, क्योंकि जन शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कि हमारे संघर्ष की सफलता के पीछे हम जो ये संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए सबसे अधिक बहुत अधिक मैं आशावादी हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मुझे संपूर्ण आशा है कि देश मेरा आजाद होगा। और वो हुआ भी, आप सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूं। सोचो उस समय नेताजी, आज भी उनकी कहानी सस्पेंस में बनी हुई है, कोई कहता है कि वो जिंदा हैं, कोई कहता है कि वो चले गए, गुजर गए, कोई कहता है उनको किसी ने मार दिया, अभी तक वो कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि ये रूप बदल बदल कर पूरी दुनिया में घूम के इन्होंने सेना इतनी स्ट्रांग बनाई थी कि वही काम कर गई। वो प्रबल सेना के कारण ही अंग्रेज डर गए कि अब तो हमें यहां से भागना ही। तो उन्होंने और क्या कहा कि सिर्फ 30 लाख भारतीयों के कोशिश पर मैं डिपेंड नहीं हूं, मैं उस पर ही आधारित नहीं हूं। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है। 1857 में जब मंगल पांडे ने अपने जान की आहुति दी, एक बिगुल बजाया, एक शोर किया कि नहीं, हमें अब इस देश में स्वतंत्र रूप से रहना है, किसी के गुलामी में नहीं जीना है, मिट्टी हमारी और आदेश तुम्हारा, ये होगा नहीं, ये हम होने नहीं देंगे। तो वो जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी वो इन लोगों ने बराबर जलाए रखी। याद रखो, हमने बहुत सारी कहानियां स्वतंत्रता सेनानी की सुनी होगी, पढ़ा होगा, पर सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया था शायद ही कोई कर सकता था, आसान नहीं था। वही वो कहते हैं कि हमें हमारे लाखों देशवासी आजादी हासिल करने के लिए देश के अंदर अधिकतम दुख सह रहे हैं और बलिदान के लिए तैयार। देश के अंदर भी अभी मैं भी लड़ना चाहता हूं अगर उस समय मैं हूं, लेकिन मेरे पास उसके लिए एक रास्ता तो होना चाहिए, हथियार तो होना चाहिए, एक सिस्टम तो होना चाहिए। वो नहीं था। हर एक के दिलों में थी वो ज्वाला कि हम कैसे इन्हें भगाएं ना। गांधी जी अलग तरीके से, अहिंसा के तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, सबका अपना अपना तरीका था, पर एक गरम दल और एक नरम दल था। गरम दल में ये सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं, अगर प्यार से नहीं जाते हैं तो अधिकार से इन्हें भगाएंगे। तो यहाँ वही वो बता रहे हैं कि जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा था आजादी के लिए, बहुत तकलीफें सही हमने और बलिदान के लिए भी तैयार थे, पर दुर्भाग्यवश हमारी बदनसीबी थी, बैड लक जिसे कहते हैं, कि सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं। निहत्थे मतलब उनके पास कुछ हथियार भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं है, तो हम लड़ेंगे कैसे,
अगर तुम ऐसे ही किसी एक अंग्रेज को मार दोगे तो वो तुम्हें जेल में डाल के फांसी पे चढ़ा देगा, खत्म। तो देश आजादी के लिए हमारे पास एक यूनिटी चाहिए, एक नियम चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए और हथियार चाहिए। हम निहत्थे हैं। उन्होंने सीधा कहा कि 1857 से ये संघर्ष शुरू हुआ है, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है, उसके पास एक से एक बंदूक है, वो तुम्हें पास ही नहीं आने दे रहा है, दूर से ही मार गिरा रहा है। तो ये सब चीजें थी और हम घुट रहे थे, हमारे देशवासी तकलीफ सह रहे थे। बहुत सी इतिहास की बातें तो लिखी ही नहीं गई। अंग्रेज, अंग्रेज के जो सिपाही थे इतना अत्याचार करते थे कि गरीब घर में किसी को भी मार देते, किसी के भी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे। मतलब ये जो अत्याचार हो रहा था वो हम चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए इन्होंने लोगों को समझाया कि हमारे पास तो कुछ है नहीं आज तक। तो आज के इस आधुनिक युग में जो हमारा समय अब चल रहा है, ये थोड़ा सा मॉडर्न हुआ है, इस युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और आधुनिक सेना के बिना आजादी हासिल करना नामुमकिन है। हमारे पास अच्छे हथियार होने चाहिए और बड़ा विचार रखना, तब हमारा देश आजाद होगा। ये उस समय की बातें हैं, सुभाष चंद्र बोस ने हमें समझाई। और भी बहुत सी बड़ी चीजें हैं। फिर और क्या बताया उन्होंने कि ये आधुनिक सेना के लिए तो मतलब इम्पॉसिबल है, हथियार है नहीं तो लड़ेंगे कैसे? वहां वो गोली लेकर, बंदूक लेकर आ रहे हैं और तुम तलवार लेके दौड़ोगे तो निश्चित मरना तय है। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आजादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। उन्होंने उस समय कहा था कि आगे खुद आइए, तुम्हें लड़ना है, खून देना है, देश को आजाद कराना है। अपनी अगली पीढ़ी को अगर ना स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने के लिए तुम्हें छोड़ना है तो तुम्हें तो खून देना ही पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये उन्होंने तभी समझा दिया था कि संपूर्ण सैन्य संगठन पूरी तरीके से ये कार्यक्रम के अनुसार, मैंने अपने जवानों धन और सामग्री की मांग की थी। ये लोगों से उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि मुझे जवानों की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सब सामग्री जो लड़ाई में चाहिए ये सब मुझे मिलेगा। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। रंगरूट मतलब सैनिक जो पूरे खाकी वर्दी में थे, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी ना। बीच में अभी कोई तो एक फिल्म आई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, विदेशी सेना के ऊपर, वो शायद उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिल्म क्या, वो सीरीज थी, तो इसी से रिलेटेड थी। आप लोग तो वो सब पिक्चर देखते नहीं है, तो उसमें पूरा क्लियर बताया गया कि किस तरह हम कहाँ कहाँ से ना, किस तरह से भूटान से घूमते हुए कहाँ कहाँ से हमारी सेना पैदल आ रही थी हमारे देश के ऊपर ना बचाने के लिए, जब हमने विदेशों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और हमने जीत हासिल की विश्व युद्ध में। तो ये सब हो पाया था नेताजी के कारण। क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सैनिक तो मिल गए। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने में रंगरूट आ चुके हैं, चीन, जापान, इंडो चीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा। बर्मा जिसका आज नाम म्यांमार है, तभी उस समय में उसका नाम बर्मा था। तो सबसे ज्यादा बर्मा जो हमारे पास में है, बर्मा में सबसे ज्यादा उन्होंने सैनिक इकट्ठा कर लिए और उसी रास्ते, पैदल के रास्ते सब आए थे। तो यहाँ वही कह रहे हैं, उन्होंने ये पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि हमें देश को आजाद कराना ही है। और यहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरी आवाज बराबर आ रही है? ठीक है, कुछ भी होगा तो आप मैसेज कीजिए, सर मुझे बता देंगे कोई भी डाउट होगा। मैं एक पेज के बाद आप लोगों का एसएमएस देखूंगा चैट। अब उन्होंने आगे क्या कहा था कि आपको और अधिक उत्साह, मतलब एक जोश होना चाहिए, और ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए और हमेशा करते रहो जब तक देश आजाद नहीं हो जाता। और सच में उस समय लोगों ने खाना कम खाया लेकिन लोगों की मदद की, जो भी जिसके पास था। और विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए,
ये सब चीजों बराबर पहुंचनी भी चाहिए, जिसके लिए परिवहन, आने जाने का साधन और रास्ता भी तो चाहिए। ये भी तुम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान कभी भी कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। उसके लिए लोगों का सपोर्ट, लोगों की यूनिटी, संगठन की बहुत बड़ी जरूरत होती है, और ये उन्होंने करके दिखाया भी। आज उसका जीता जागता सबूत हमारा देश आजाद है। फिर उन्होंने क्या कहा था, सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्रियों की कुकम पहुंचाने की है। मतलब यानी समय पर, जैसे लड़ाई पे कोई घायल हो गया, खाना कैसे पहुंचेगा, ये सब सामग्रियों को टाइम पे पहुंचाना बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि हर सैनिक लड़ाई ही लड़े। बहुत सारे ऐसे सैनिक होते हैं जो सामग्री लेकर पहुंचाते हैं, समय पर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी तो होते हैं। तो सिर्फ बंदूक चलाकर दुश्मनों को मारना ही इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत से लोगों की मदद करना और सामान पहुंचाना भी लड़ाई के अंतर्गत आता है। मुझे ऐसे लोग भी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चे पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते। मतलब अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और बीच में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो सैनिक नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये भी मैं आशा करूंगा कि मुझे वो मदद मिलेगी। नहीं हम भारत के आंतरिक भागों में जीत सकेंगे और बाहर का तो हो ही नहीं सकता। तो हमें अंदर और बाहर यानी सरहद, इन दोनों पर अगर हमें विजय हासिल करनी है तो हमें हम सब लोगों को मिलके उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये पहले पेज में उन्होंने, नेताजी ने मतलब क्या कहा था, उसके ये थोड़े से अंश हैं, थोड़े थोड़े से अंश हैं। अभी दूसरे पेज में हम चलेंगे, उनका जो विचार था वो कितना सही था और कितना सटीक था, हम वो पूरा देखेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा चैट देखूंगा किसने क्या बोला है। सबको बराबर से समझ में आ रहा है? अच्छा चला, किसी को कुछ डाउट है तो वो इधर पूछ सकता है कुछ शब्दों का। सभी को बराबर सुनाई दे रहा है? तो यस बोलिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा नेताजी की अगली बात, उन्होंने क्या और चीजें बोली थी। ठीक है, धन्यवाद, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो मतलब ये क्लियर हो गया कि नेताजी ने उस समय ही लोगों में वो जान फूंक दी थी कि ये सब चीजें, क्योंकि एक इंसान से नहीं होगा ना, देश के हर लोगों को, जिसके पास 10 रुपया है या जिसके पास 100 रुपया है, सबको मदद करनी पड़ेगी। अब देखो अगले पेज में उन्होंने क्या समझाया है, आइए हम देखते हैं कि नेताजी ने उस समय और क्या प्रेरणा दी थी और कैसे जगाया था हमें। उन्होंने कहा था कि आपस में से, मतलब आप में से, आप सभी में से जो आप लोग हो, आप में से जितने भी लोग हैं, उन लोगों को जिन्हें आजादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है। जैसे हम आजाद हो गए तो खत्म, फिर लड़ाई बंद नहीं, सैनिक तो तब भी चाहिए ना, आजादी के बाद भी सैनिक चाहिए, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब हम अगर आजाद भी हो जाते हैं तो भी तो खतरा है ना, फिर से दोबारा हमला बोल दिया तो ये भूलना नहीं चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शुरू में मैंने कहा था बर्मा यानी म्यांमार हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे बड़ा आधार है। क्यों? क्योंकि ये भारत देश के नजदीक है म्यांमार, और वहां ज्यादा क्वांटिटी में भारत के लोग सैनिक के रूप में तैयार थे, और वहीं से हम अंत में स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान इनका था ही, बर्मा जहां पर बुद्ध धर्म का निर्माण हुआ और वो बुद्धिस्ट लोग ज्यादा हुए हमारे देश से ही जाके। तो बताना वही चाहूंगा कि आजादी के लिए उन्होंने ये शब्द पहले ही कह दिया था कि बर्मा से बड़ा हमारा कोई सपोर्ट नहीं, वहां हमारे देश के ज्यादातर सैनिक पाए जाएंगे और यही आधार मजबूत नहीं, तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं। यदि हम उसको मजबूत नहीं कर पाए तो उनके लिए हमें कपड़े, उनके लिए हमें बंदूकें, कारतूस और पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम सब, ये देश के लोगों को उन्होंने संबोधित किया था, अगर हम ये मदद नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आजादी कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि सिर्फ प्यार से हम किसी को हटाना चाहें तो कभी नहीं हटेगा, वो भले धरती आपकी हो, भले घर आपका हो। तो ये उन्होंने बहुत पहले ही समझा दिया था। और क्या कहा, यदि आधार मजबूत नहीं होगा तो हमारी सेनाएं कभी जीत नहीं सकती। याद रखिए, यह एक संपूर्ण युद्ध है और लड़ाई में खून तो बहना ही है। लड़ाई में जिंदगी की आशा नहीं होती, भविष्य की आशा होती। हम रहे ना रहे, हमारा देश रहेगा, हमारे जो बच्चे रहेंगे वो आजाद देश में सांस लेंगे। ये परिकल्पना थी, ये विचारधारा थी नेताजी की उस समय। केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, दो सेनाओं की विचारधारा का युद्ध था। हम सच्चाई पे थे, वो हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे थे। हमारा देश था, उन्होंने लालच में आके हमारे देश पे कब्जा कर लिया था ना, ये हम सभी जानते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं उस समय। और क्या कहा, इसीलिए नेताजी ने फिर समझाया था, इसीलिए पिछले पूरे एक वर्ष में मैंने दूसरे दूसरे देशों में घूमकर मैंने पूर्व से संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है कि अब मेरी सेना चारों तरफ से मजबूत हो गई। देश के हर कोने की बात नहीं है, दुनिया के हर देश के कोने कोने में भारत की सेना तैयार खड़ी है लड़ाई लड़ने के लिए, और ये हो चुका था। तो इस तरह, इसीलिए ये एक छोटी सी बात नहीं है मेरे ये कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें। एक और भी कारण है, घरेलू मोर्चा मतलब घर के अंदर। हम बाहर तो जीत गए, तुम अंदर ही कुछ नहीं कर पाए तो क्या मतलब है। तो घरेलू मोर्चा सबसे बड़ी, कहते हैं ना कि अगर हमें लड़ाई जीतनी है दुनिया में तो हमें पहले घर के अंदर मजबूत होना पड़ेगा। बाहर से जीत गए, अंदर ही आके मर गए तो ये बहुत बड़ी चीज है, अधिक ध्यान देना ही होगा। इसका कारण क्या है कि आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए अपना क्योंकि सब अंदर से ही है, क्योंकि कब्जा भी तो देश के अंदर ही है ना अंग्रेजों का। हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलते रहना चाहिए, निर्बाध यानी बिना रुके। अनुपस्थिति मतलब हम रहे न रहे, ये एक अग्नि प्रज्वलित करने के समान थी कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए, ये आजादी का दिया है, हम रहे न रहे। तुम्हें क्या लगता है, आज भी अगर हम अपने देश की सुरक्षा न करें, उनके बताए हुए मार्गों पे न चले, तो हम फिर से गुलाम हो जाएं? और आज तो गद्दारों की कमी है ही नहीं, आज तो चंद पैसे के कारण देश को बेच देने वाले लोग पड़े। सोचो वो लोग क्या थे ना, जो नए नए उम्र के थे, शहीद भगत सिंह से लेकर ना चंद्रशेखर आजाद तक, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज तो अगर हम ढूंढे तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो सेना में जाकर लड़ाई लड़ना चाहते, सभी को इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, एक्टर, क्या बनना है। और पहले के लोग सिर्फ आजादी की लड़ाई में आजाद देश देखना चाहते, बहुत मुश्किल से ये हमें मिला है। तो और क्या समझाया उन्होंने कि इसके लिए चलते, और आज भी इनके कहने का मतलब यही है कि हमें आज भी ये लड़ाई बराबर चलाते रहनी। नेताजी ने जो समझाया है, ये नहीं कि हमने लड़ाई लड़ी जीत गए अब हम आजाद हो गए तो हम भूल जाए, ऐसा नहीं है। लापरवाही करने से फिर से तकलीफ हो सकती है। तो उन्होंने क्या कहा था, और कि साथियों, एक वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी तब मैंने एक बात कही थी, यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दें तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। संपूर्ण सैन्य संगठन मतलब यानी पूर्ण रूप से जो सैनिक तैयार हो चुके हैं ट्रेनिंग लेकर, तब मैं एक और अलग एक मोर्चा, एक और लड़ाई दूंगा, दूसरी लड़ाई दूंगा। मैंने अपना ये वचन निभाया है, आज मैंने एक संपूर्ण सैन्य सुरक्षा दल बना लिए, अब मुझे दूसरा मोर्चा तुम्हें देश के अंदर देना है, अंदर की लड़ाई। एक इंसान बाहर से, मैंने बोला ना, कितना भी जीत जाए, अंदर से जीतना है। वो दूसरा मोर्चा मैं तुम्हें दूंगा और मैंने वचन निभाया है, और मेरे हमारे हम सभी के अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। पहला चरण मतलब फर्स्ट स्टेप हम पास कर चुके हैं, हमारे सैनिक
बन गए हैं। हर देश में हमने कुछ ना कुछ भारतीय सेना को मजबूत बना दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये बना लिया। सोचो दूसरे दूसरे देशों ने हमें सपोर्ट किया था कि नहीं आप लड़ो, अपने देश को आजाद कराओ, क्योंकि आजादी सबका अधिकार है। हम किसी के ऊपर ना कब्जा करके किसी को नहीं रख सकते। किसी को भले आप उसकी मदद करो या आप उसको पैसा दो या आप उसको खाना दो, वो आपका नौकर है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसकी जान ले सकते हो। तो ये चीजें उस जमाने में सबसे पहले इन लोगों ने समझाई और यही कारण है हमारी विजयी सेनाओं ने नेपोनीजी सेनाओं के साथ, मतलब जो नेपोनीज जो बड़े बड़े मतलब विश्व युद्ध में जो लड़ाइयां लड़ी थी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने दुश्मनों को हरा दिया। तभी तो लोगों को समझ में आया कि भारतीय सेना इतनी स्ट्रांग है। और लड़ाई के बीच में मैं आपको बताऊं, एक बार वो सेना वो पूरी कमजोर पड़ गई थी विदेशी सेना, और हमारी सेना ने उनकी जान बचाई। तब जाकर वो समझ पाए कि हमारी सेना, सोचो देश उनका पर हम लड़ाई लड़ रहे थे उनकी सेना के बीच में जाकर, क्योंकि हम गुलाम थे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था कि हम अपनी बात रख सके, हम आजादी का ना आजादी की आवाज उठा सके। एक झंडा ले जाकर झंडा लहराने की अनुमति नहीं थी हमारे देश में। तो इतना खराब सिचुएशन था हमारे देश का, लेकिन हमने वो लड़ाइयां लड़ी और हमने उनकी सेना के साथ मिलकर दुश्मनों को खत्म कर दिया। और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रहे हैं। दुश्मनों का भी साथ दिया, उसने भी विजय हासिल की। अब हमारे देश के लिए, इस धरती के लिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीत जाएंगे, ये सत्य है। बस हमें साथ चाहिए, तुम लोगों का विश्वास चाहिए, थोड़ी सी मदद चाहिए। ये सब अगर आप कर पाए तो निश्चित ये देश आजाद हो जाएगा और एक दिन हमारी जिंदगी स्वतंत्र हो जाएगी। और क्या कहा था उन्होंने, आगे हम और बढ़ते हैं, बहुत मजेदार चीजें उन्होंने कही है कि अब जो काम हमारे सामने है आजादी की लड़ाई का, हम दुश्मनों को बाहर तो हरा आए हैं लेकिन हमें देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं इन्हें भगाना है। तो वो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो काम हमारे सामने रखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए हमें कमर कसनी होगी, हम सबको कमर कसनी होगी। ऐसा नहीं कि चार जन है तो दो लड़ाई लड़े और दो बैठे रहे, तो हम कमजोर हो जाएंगे ना। हम सबको, क्योंकि जब तक सबके मन में वो ज्वाला नहीं जलेगी तो वो ज्वाला विकराल रूप धारण नहीं करेगी। और जब जैसे सूर्य है उसमें इतनी विकरालता है, इतना महानता है कि उससे कोई लड़ सकता है, उसके कोई पास नहीं जा सकता। जब हम उतने प्रबल शक्तिशाली हो जाएंगे तो दुश्मन तो अपने आप भाग जाएगा ना, दूर से ही जल जाएगा। तो ये हमें कमर कसनी है। कमर कसना मतलब तैयार होना, ये मुहावरा है। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था कि मुझे सिर्फ तीन चीज दो, जवान तैयार करो, हर घर से एक बंदा, एक जवान तैयार होना चाहिए। कुछ ना कुछ धन तो हमें मिलना चाहिए, खाने की सामग्री, लड़ने की सामग्रियां, जो आप दे सको, जो जिस लायक है। सोचो वो जमाने में गरीब अधिक थे और अमीर कम थे, लेकिन उन अमीरों ने गरीबों की मदद की और सबका पेट भरा। आज उसका उल्टा है, आज अमीर ज्यादा है, गरीब कम है, फिर भी भूख से मर रहे हैं, क्योंकि आज वो इंसानियत, वो मानवता, वो अपनापन, वो अपनी पवित्र धरती का प्रेम कहीं ना कहीं कम नजर आता है, कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है, देश के बहुत से सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं, पर देश के आंतरिक लोगों में वो नहीं नजर आ रही जो उस जमाने में थी, जो नेताजी ने जगाया था। देश के अंदर वो जज्बा नजर नहीं आ रहा। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम एक ना नाम लेकर वो फहरा, मतलब झंडा फहराने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। कॉलोनी में अगर होता है तो मैंने देखा है कि 2-4-10 लोग जमा होते हैं। बिल्डिंग में रूम रहेगा कम से कम 200-300, पर जमा होंगे 30-40 लोग।
भीड़ नहीं जमा होती कि यार देश की आजादी का ये जश्न है, मतलब वो जोश कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। तो ये पाठ पढ़ाने का मतलब क्या है, वो जोश फिर आना चाहिए। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है कि सुभाष चंद्र जी ने, नेताजी ने ऐसा किया था, ऐसा उन्होंने मांग किया था, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कि हमें फिर से वैसे ही जागृत होना है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, एक तूफान से ये कश्ती, ये नाव बाहर आई है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हमें संभाल के रखना है ना, नहीं तो फिर गुलाम हो जाएंगे, फिर से हम वापस स्वतंत्रता की मांग करेंगे, और अब कोई लड़ने वाला भी नहीं, बॉर्डर पे सैनिक मरते हैं बेचारे ना, देश के लिए, हमारे लिए, हम सुरक्षित हैं यहाँ। याद करना चाहिए, असली हीरो वही है, यहाँ वही तो बता रहे हैं। नेताजी ने वही कहा कि मुझे तीन चीज दे दो, जवान, धन और सामग्री, और मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल भी गए हैं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा था और मुझे मिल भी गए, इसीलिए आज हम विजय हासिल कर पाए हैं कहीं कहीं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूं, वो क्या है, जवान, धन और सामग्री। अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते ना, सैनिक खड़ा कर दो, पैसा भी आ जाए, सामान भी आ जाए, तो क्या ये तीनों अपने आप विजय हासिल करा देंगे, देश के दुश्मनों को भगा देंगे? नहीं। याद रखो, कार है आपके पास तो, लेकिन वो अपने आप नहीं चलेगी, उसे चलाना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें प्रेरित करे ना, एकदम अंदर से कहे कि नहीं, देश हमारा, हमें जीतना है, हमें बहादुर व नायकोचित, मतलब एकदम नए नए, एकदम नए नए यंग बच्चे चाहिए जो सही चीज और उचित कार्यों पर प्रेरित करे, ऐसा नहीं कि गलत गलत कार्यों पर नहीं, नई एकदम नए कार्यों पर और नई विचारधारा के साथ, बहादुरी के साथ लड़ सके, ये मंत्र होना चाहिए हम सबके मन में। आजादी की ज्वाला जलनी नहीं चाहिए, धधकनी चाहिए। धधकना मतलब नहीं, ऐसा लगना चाहिए ना, अभी मिले तो अभी हम यहाँ पर मार के गिरा दें, पर हमें अभी मारना नहीं है यहाँ। अब क्या बता रहे हैं कि हमें अब लड़ाई तो लगनी नहीं, क्या सैनिक नहीं बने तो देश सेवा नहीं होती? देश के अंदर आप बड़े अधिकारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो देश के जो गरीब लोग हैं या तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जो भी है, उनके साथ हमें सही से रखना है ना, उसको ऐसे समझो यार हमारे देश का है, मेरे वतन का है, इसकी सेवा तो करें, ये सोच के चलना है। लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिए। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है कि बस अब हम जीत जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए ये घातक गलती हो सकती है। इस गलत फहमी में मत रहना कि अब हम जीत जाएंगे और हम इतने स्ट्रांग हो गए तो हम भगा देंगे, ऐसा नहीं है। जीत जाएंगे, हमारे पास शक्ति है, पर अभी जीते नहीं है, अभी हमें जीतना बाकी है। जैसे हम रनिंग में दौड़ते हैं तो हम अकेले ही आगे हैं और सब पीछे हैं, और फिनिश लाइन थोड़ी सी बची और हम खुश हो जाएं, वाह मैं तो जीत गया, तो पीछे वाला आगे निकल जाए। सोचो उस समय नेताजी की कितनी बड़ी विचारधारा थी कि जीतने के नजदीक थे हम, फिर भी उन्होंने कहा था कि नहीं अभी हम जीते तो नहीं है ना। ये घातक हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है, घातक मतलब जानलेवा। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभी ये मत सोचो कि बस हम अब आजादी ले ही लेंगे यार, अंग्रेजों को तो भगा ही देंगे, ऐसा मत सोचो। जब तक आजाद नहीं हो जाओ तब तक कार्य करते रहो, खुशियां मत बनाओ। याद रखो, विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो, आगे बढ़ो और तब तक चलते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। बीच में खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। ये महान लोगों की विचारधारा थी, याद रखो। फिर थोड़ा सा और बचा है, इसको समझ लें। मतलब ये गलती करना बहुत गलत है। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने, हमने अभी एक छोटी सी लड़ाई जीती है,
आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा। जिंकू किंवा मरू, कायतरी करू, छोड़ना तो नहीं है जब तक आजादी का झंडा, तिरंगा हमारा लहरे ना, तब तक हमें रुकना नहीं। ये सबसे बड़ी विचारधारा होनी चाहिए। मरने की इच्छा मतलब जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों की खून से बनाई जा सके। शहीदों का खून बहेगा तो आजादी आएगी, क्योंकि कोई भी लड़ाई प्यार से नहीं जीती जा सकती। वो जमाना गया, एक जापड़ मारा तो दूसरा गाल दे दो, वो नहीं होगा। कुछ लोगों को बंदूक की गोली ही समझ में आती है। तो स्वतंत्रता युद्ध के लिए मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं। ये डायलॉग उस समय का तभी फेमस हुआ कि सबसे ऊपर मैं आपको अपना खून मांगता हूं, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। मैं आपसे अपना खून, मतलब यह खून उन खून का बदला लेगा जो लोगों ने, जो दुश्मनों ने हमारे लोगों का खून बहाया था। तो जो शत्रु का खून बहाएगा वही जीत दिलाएगा, वही आजादी लाएगा। तो खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूं। ये जब उन्होंने कहा ना, तो पूरी मतलब जितनी भी जनता वहां इकट्ठा हुई थी, सभी ने तालियां नहीं बजाई थी, दिल से तालियां बजाई थी। और ये सपना साकार हुआ 1947 में, हमारा देश आजाद हुआ। और ये ऐसा नहीं कि प्यार से बोलने पर वो गए, वो समझ गए कि अगर अब हम इन्हें आजादी नहीं देंगे तो ये छीन कर ले लेंगे, इसलिए उन्होंने हमें आजाद कर दिया। तो ऐसे ऐसे महान लोगों का, यू कहते हैं ना, मेहनत थी, उनका परिश्रम था, उनका जीवन दान था हमारे देश के लिए। तो हमें कम से कम उनके फोटो पे एक हार चढ़ाकर उनका नाम लेना चाहिए। खत्म किया। आप लोगों को कुछ डाउट है, तो प्लीज आप पूछिएगा। ये नेताजी ने जो बातें कही थी आज हमारे समक्ष है, सामने है, सोचो वो जज्बा उस समय भी था। तो जिसको कुछ डाउट है प्लीज आप चैट कर सकते हो, मैं देख रहा हूं। मेरी आवाज बराबर आ रही है?